हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जिस वीडियो का नाम है सोर्सेज ऑफ इंग्लिश पेपर फॉर सीजीएल 2019। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहां से आखिर आते कहां से हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो कहां से आते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस को आप एक्सेस करके देख सकते हो कि किस तरीके की वीडियोस हम इस चैनल पर डालते हैं। वर्ड पावर मेड इजी की समरी हमारा सीरीज चल रहा है तो आप देख सकते हैं उस समरी को भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये कुछ जानकारी मेरे बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शुरू करेंगे, बिफोर वी स्टार्ट उसके पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये मेरे कोर्सेज हैं जो कि जून मंथ में आने वाले हैं। कंप्लीट ग्रामर का बैच है जो कि जून मंथ में पूरा होगा और एरर डिटेक्शन का बैच है जो 1 जून से चलेगा। सेंटेंस करेक्शन का बैच है जो कि 8 जून से शुरू होगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बैच है 15 जून से होगा और idioms and phrases भी हमारा 23 जून से होगा। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर पर्सनल गाइडेंस और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी सवाल है आप यहां पे पूछ सकते हैं। बात शुरू करें आज के अपने वीडियो की, तो हम इस वीडियो को सबसे पहले ये बात करें क्यों बना रहे हैं आखिर। तो देखिए, कई बार होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर बनता कहाँ से है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से ये क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं एग्जाम में ये कौन बना रहा है, कहाँ से आखिर आ रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। तो हमें इनका सोर्स पता नहीं होता, इसलिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि ठीक है, मान लीजिए अगर हमें सोर्स पता चल जाते हैं तो क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्या एक्चुअल में कुछ इसका बेनिफिट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो भी आपको तभी आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग थंबनेल देखकर या वीडियो का टाइटल देखकर कमेंट में जाकर बोलने वाले होंगे कि ये है वो है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप कमेंट करने जा रहे हो तो प्लीज पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देख के आप फिर जज कर लेना वीडियो सही था या गलत था या मैंने कुछ मिसगाइड किया है या कुछ गलत जानकारी दी है, तब आप कमेंट करने के लिए फ्री हो। लेकिन यार कम से कम वीडियो पूरा देखो, बिना वीडियो देखे अगर आप कोई भी जजमेंट कर रहे हो और बिना वीडियो देखे अगर आप कमेंट करो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, दैट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा क्लोज टेस्ट की कि क्लोज टेस्ट के सोर्सेस क्या थे। तो देखो, बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां से आपके क्लोज टेस्ट आए थे, सोर्सेज ऑफ क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट का देखिए, पहली मैंने जो आपको यहां पर रखा हुआ है, देखो सारे शिफ्ट का मैंने नहीं रखा, बहुत सारे पेपर थे, मैंने रैंडमली कुछ कुछ सोर्सेज कुछ कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं उनके मैंने आपके सोर्सेज बताए हैं। तो देखिए, 3 मार्च की शिफ्ट 2 का जो है हमारा ये क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आया हुआ था, आप चेक कर सकते हो अपने न्यूज़पेपर अपने पेपर में। मशीन्स वर मेड टू मैन सर्वेंट वगैरह वगैरह, इस तरीके से पूरा हमारा ये पैराग्राफ था और इसमें आपको फिलर्स फिल करने थे। अब इसका सोर्स देखिए क्या था, बड़ा ही मतलब एक रोचक और बड़ा ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सोर्स हुआ जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसका सोर्स आपकी ये किताब थी। आप लोग इस किताब से, आप में से कुछ लोग इस किताब से भली भांति परिचित होंगे, ये रेनन मार्टिन बुक है। आप इसे कुछ लोग इसे पढ़ते भी होंगे। इसी चैनल पर मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था कि रेनन मार्टिन अच्छी है या नीतू सिंह की किताब अच्छी है या एसपी बख्शी की किताब अच्छी है, तो वो वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर बनाया था, उसमें आपको बताया था कि कौन सी किताब अच्छी है। तो रेनन मार्टिन से इन्होंने ये क्लोज टेस्ट उठाया था। कहाँ से उठाया था, मेरे पास रेनन मार्टिन किताब है, मैंने डायरेक्ट आपको स्क्रीन शॉट लेकर आपको दिखाता हूँ। ये आपके कॉम्प्रिहेंशन उसमें कुछ दिए हुए हैं, वहाँ से देखिए ये इन्होंने मशीन्स वर मेड फेयर, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एज इट इज़ कॉपी किया था ये जो हमारा क्लोज टेस्ट है यहाँ तक का। समझ में आ रही है बात। तो क्लोज टेस्ट इन्होंने कहाँ से लिया, रेनन मार्टिन से लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। अगला था हमारा 3 मार्च शिफ्ट 3 का, इसमें हमने ये क्लोज टेस्ट था आपका वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकास कालाहारी। इसका सोर्स क्या था, देखिए इसका सोर्स था ndsu.edu आपका ये वेबसाइट पर मैं मुझे ये सोर्स मिला और ये भी आपका एक किसी एक तरीके से यूनिवर्सिटी का कुछ आपका एजुकेशन से रिलेटेड किसी मैगजीन का स्क्रीनशॉट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका इसके सोर्स क्या थे। हाँ, इसके सोर्सेज आप देख सकते हो कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन कालाहारी डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आपका इसका सोर्स इन्होंने इस वेबसाइट से उठाया था। ठीक, अगला मैं आपको दिखाता हूँ 4 मार्च शिफ्ट 1 का। अब 4 मार्च शिफ्ट 1 का जो आपका क्लोज टेस्ट था वो ये था आपका, मैंने एक्चुअली फिल कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स आउट द
पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैमेजेस। तो ये आपका इससे था, 4th मार्च की शिफ्ट 1 का क्लोज टेस्ट था। इसका सोर्स क्या था? इसका सोर्स था ये ऐसे, बेसिकली ये एक ऐसे है जो आपके स्कूल टाइम पे 10th और 12th में लिखवाया जाता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये टॉपर की वेबसाइट से ये आपका सोर्स है, ये देख सकते हो आपका, यहां से इन्होंने ये उठाया था, ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि ये जो ऐसे था वहां से इन्होंने ये क्लोज टेस्ट पिक किया था। ठीक, अगला देखिए आप, अगला जो था आपका ये 4th मार्च शिफ्ट 3 का, मिल्टन हर्से रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न इन द हर्ट ऑफ डेरी काउंट्री कंट्री वगैरह वगैरह। ये जो आपका 4th मार्च शिफ्ट 3 का क्लोज टेस्ट था, ये भी इन्होंने क्लास 12th की और CBSE की किताब से ही लिया है, आपका examtopics.exam वेबसाइट है, इससे इन्होंने ये लिया है, और ये आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ से इन्होंने ये क्लोज टेस्ट उठाया। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आपका, ये था 6th मार्च शिफ्ट 1 का, इसमें एटलस से रिलेटेड ये क्लोज टेस्ट था। इसका सोर्स क्या था? इसका सोर्स भी आपका एक वेबसाइट, एक किताब ही थी हमारी, मतलब जो प्राइमरी की एक किताब है, जो आप देख सकते हो बेटर इंग्लिश करके किताब है, वहां से इन्होंने उठाया है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, माइनर से चेंजेस करके इन्होंने उसको क्लोज टेस्ट बनाया था। ठीक है, ये भी आपकी बचपन की ही किताब है। इसी तरीके से 6th मार्च शिफ्ट 2 का जो क्लोज टेस्ट था वो आगराज मार्बल, इसमें तो उन्होंने गलतियां भी दी हुई थी जो SSC की तरफ से गलत था। तो इसका सोर्स क्या था? इसका सोर्स आपका था tribuneindia.com की वेबसाइट से इन्होंने ये उठाया था, और ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये आपका आर्ट एंड लिटरेचर, ये आर्टिकल इस पर लिखा हुआ है बाय अजय प्रताप सिंह। तो ये सारे क्लोज टेस्ट के सोर्सेज थे। इसी तरीके से आपका 5th मार्च की शिफ्ट 1 का जो सोर्स था, डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन रोड, तो इसका सोर्स देखिएगा, इसका सोर्स था एक किताब ही थी, इसका भी सोर्स जो कि 12th की किताब है आपकी, ये आप देख सकते हो, कन्वॉय ऑफ ट्रक कैरिंग सोल्जर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पर है, और ये किताब है कोर्स इन ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक, तो ये सारे क्लोज टेस्ट के जब हमने सोर्सेज देखे तो हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि हमारे जो बचपन की किताबें थीं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की जो हमारी किताबें थीं, या फिर कुछ वेबसाइट के आर्टिकल्स को उठा उठा के इन्होंने क्लोज टेस्ट बनाए थे, यानी कि बहुत ही बेसिक से क्लोज टेस्ट हमारे आए हैं जो कि हमारे इंटरमीडिएट या 10th या 12th की किताब से लिए गए हैं। रेनन मार्टिन उसका पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, इससे वर्डिक्ट क्या निकलता है हम इसकी भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी किताबें पढ़नी, क्या करना है इन सब पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखो और वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको सारी बात समझा दूंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। अगला था आपका, अगले जो हम बात करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ पैराजंबल्स, कि पैराजंबल्स के क्या सोर्सेज थे। तो पैराजंबल्स जरा देखते हैं, 9th मार्च की शिफ्ट 3 का जो आपका क्वेश्चन था, ये आपका दे ऑल्सो विजिटिंग द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वगैरह वगैरह, इसका जो सोर्स था वो था कैट का क्वेश्चन 2001 का, यानी 2001 का कैट के पेपर से ये क्वेश्चन आया था। ये आप देख सकते हो, इन्होंने इसमें 6 ऑप्शंस थे, 6 लाइन का था, इन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया और उससे इन्होंने ये आपका क्लोज टेस्ट बनाया था। मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर आप अगली बात करें तो ये है आपका 9th मार्च की शिफ्ट 1 का, इसमें इन्होंने ये बोला है, दीज बेट्स वर टेम्पटेशंस दैट पीपल कुडंट रेजिस्ट। ठीक, ये जो था आपका NCERT की किताब से था, NCERT की किताब में एक स्टोरी है आपकी द रैट ट्रैप करके, उसी से इन्होंने इस आपके क्लोज टेस्ट को बना, इस पैराजंबल को बनाया था। ठीक है, बहुत ही बेसिक आपका NCERT हो गया। 6th मार्च की शिफ्ट 2 का जो आपका ये आपका पैराजंबल था, दे आर जनरेटेड बाई वॉयलेंट अंडरसी डिस्टर्बेंस और ओशन एक्टिविटी, इसका जो आपका सोर्स था, इसका भी सोर्स आपकी ये वेबसाइट से इन्होंने लिया है, और ये आपका देख सकते हो, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके इन्होंने ये पैराग्राफ उठाया था, सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव्स। ठीक है, ये बात होगी पैराजंबल के सोर्सेज की। वोकैबुलरी के सोर्सेज की बात करें तो वो आपके देख सकते हो, ये जैसे क्वेश्चन था क्वीसेंट या अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, तो ये बहुत ही बेसिक से वोकैबुलरी थी जिसके सोर्सेज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए होंगे वो जानते हैं ये सारे के सारे सवाल CGL 2013, 12, 13, 14, 15 से आपके आ चुके हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो वोकैबुलरी आपकी पूरी तरीके से रिपीटिटिव थी, आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड थी, कुछ कुछ हमारे नए क्वेश्चंस भी थे। ग्रामर के जो सोर्सेज थे, ग्रामर के मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए क्योंकि वो कहीं से आपके SATs नहीं लिए जाते, लेकिन वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड थे, आपके बहुत ही बेसिक बेसिक का कंसेप्ट था, वहाँ से हमारे ये कंसेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली वोकैबुलरी, ग्रामर, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट के सोर्सेज की।
अब अगर बात करें कि इससे फायदा क्या है, जैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है कह रहे हो कि भैया पता है हमें ज्यादा ना सिखाओ, पता है ठीक है, इन सबसे हमें फायदा क्या हो रहा है। सो आई वुड से कि प्लीज, मैंने जैसा कहा थोड़ा सा वेट करो, सबर करो, अभी मैं आपको सारे फायदे और सारे नुकसान बताता हूँ क्या है इसके, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या करें सर, तो सारे सोर्सेज पढ़ने शुरू कर दें, आपने ये किताब बताई, वो किताब बताई, ये वेबसाइट बताई, वो वेबसाइट बताई, तो क्या सब कुछ पढ़ना शुरू कर दें? तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, शुरू कर दें नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमें बताते हैं, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझ में आइए, बिल्कुल, यानी कि हमें अपने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से ही अपने इंग्लिश को अच्छा करना है, ठीक है। यानी कि हमें कोई ग्रेजुएशन लेवल की अंग्रेजी नहीं सीखनी, हमें कोई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नहीं सीखनी, लेकिन बिल्कुल स्कूल लेवल तक का अंग्रेजी, हम बहुत अच्छा इंग्लिश अपना अच्छे से सुधार लें, रीडिंग स्किल को सुधार लें, क्योंकि देखो आपको मैंने दिखाया कैट के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आया है, आपके कुछ फर्दर ऐसे ही रैंडम वेबसाइट से भी क्वेश्चन आया है, स्कूल की किताबों से भी क्वेश्चन आया है, तो डिपेंड करता है किसकी शिफ्ट कहाँ से फंसती है, वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक। तो आपको रीडिंग स्किल कैसे बेहतर करनी है, आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, कोई भी अखबार पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, द हिंदू पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, बिना पढ़े नहीं काम बनेगा, फिर चाहे वो अगर आपका पैराजम्बल कहीं से भी आएगा ना आपको दिक्कत होगी, इसलिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए और वोकैबुलरी को जरूर याद करिए, वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर पेपर से सारी की सारी घोट के पी जाइए। सोर्सेस क्या करने हैं आपको, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आपको पढ़ना है, ठीक, इससे आप वोकैबुलरी याद कर सकते हो, एसपी बख्शी की वोकैबुलरी याद कर सकते हो, मेरे अनअकैडमी पर कोर्सेज हैं जो जिनको मैंने स्क्रीनशॉट शुरुआत में दिखाया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, नॉर्मल लुईस वोकैबुलरी जिसके मैं समरी तैयार कर रहा हूँ आप वो तय पढ़ सकते हैं, इन दोनों किताबों से वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर से अपना एरर का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एमबी पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके सोर्सेज जो हैं, आपके एक्चुअल तैयारी यहाँ से होगी, जो सोर्सेज मैंने बताए उनका ये मतलब नहीं है कि आप ये किताबें जाकर पढ़ने लगो, वो बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि वेरियस सोर्सेज से आपके एग्जाम पेपर तैयार होता है, लेकिन पढ़ना आपको क्या है, जो आप बेसिक तैयारी कर रहे हो वही करनी है, लेकिन बात यह है कि चूंकि क्वेश्चन जितने भी मैंने दिखाए वो बहुत ही ईजी आ रहे हैं, अब इतना ईजी पेपर आने की वजह से जो गेम हो जाता है वो सारा का सारा एक्यूरेसी का हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, भाई अगर मान लो मैंने एक वैकेंसी निकाली अपने ऑफिस में काम करने के लिए, मेरे पास दो वैकेंसी है और मैंने कहा उसके लिए मैं इंग्लिश का टेस्ट पेपर कंडक्ट कराऊंगा, अब एक बच्चे के 20 में से 20 आ जाते हैं और दूसरे बच्चे के 20 में से 19 आ जाते हैं, अब तीसरा बच्चा जिसके 18.5 आए थे, दो इट वॉज वेरी गुड स्कोर, 20 में से 18.5 वॉज अ वेरी गुड स्कोर, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको मैं जॉब ऑफर नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि भाई जॉब उसी को दी जा सकती है जो टॉप 2 में होगा, क्योंकि मुझे दो ही वैकेंसी फिल करनी है, तो चूंकि ईजी आ रहा है पेपर, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक्यूरेसी करें, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 25 में से 25 सही हों, क्योंकि भाई एक भी गलत होगा और बाकी लोगों का एक गलत नहीं है तो आप पिछड़ जाओगे, तो पेपर ईजी आ रहा है लेकिन गेम सारा आप एक्यूरेसी पर आ जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पर फोकस करना है, क्योंकि पेपर आसान है तो आपके कंसेप्ट जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे आप कोई भी एक सिली सा क्वेश्चन गलत कराएंगे, 1, 2, 3 कर करके आप मेंस में और ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देंगे, उस वजह से आपका स्कोर काफ़ी कम हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल स्कोर को कम नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे एकदम एक एक क्वेश्चन सही करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक जितनी बात बताई समझ में आई होगी, ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर और अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर कर देना जिससे बाकी लोग भी इस वीडियो को देख पाएं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप यहाँ पर कुछ वीडियो देख पा रहे होंगे जिस जो कि नॉर्मल लुईस की किताब से हैं, तो आप उन्हें देख लो, उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर पिन कर दी जिससे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने वर्ल्ड पावर मेड इजी की समरी बनाई है, और अगर कुछ आप ऐसे रैंडम टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, 8299117042 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ जाइए जिस पे आपको मैं डेली अपडेट्स या कोई भी चीज़ होगी तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।